हमारे खुशी एंड सिलाई चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले कपड़े को डबल करना है, डबल करके उसको चार तरफ में फोल्ड करना है, अच्छी तरह से फोल्ड करना। फिर कमर की निशानी लेना, कमर की निशानी है 36, 36 का चौथा भाग हुआ 9, तो 9 का निशान लेते हुए हम चारों तरफ से निशान कर दिए। ये हमारा हो गया कमर का निशान। इसके बाद हम लेंगे लंबाई, लंबाई हमारी जितनी है उससे 1.5 इंच ज़्यादा ले लेना है, तो हमारी लंबाई है 26, 26 का निशान करते हुए गोल निशान कर दिए, चारों तरफ से निशान किए। अब हम करते हैं कटिंग। हमारा अम्ब्रेला स्कर्ट कटिंग हो चुका है, ये देखो हमारी कितना शेप बराबर दिख रहा है। कम कपड़े में अम्ब्रेला स्कर्ट तैयार हो जाएगा। अब हम दिखाते हैं कमर पट्टी, कमर की पट्टी हमारी जितनी है उससे सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, उसकी लंबाई 6 इंच रहनी चाहिए, हम डबल करके 3 इंच लिए हैं। कपड़े कम है तो थोड़ी जॉइंट आ जाए तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आ सकता है, जॉइंट तो आ सकता है। देखो 2 इंच हम ज़्यादा लिए सिलाई के लिए, यहाँ से 3 इंच लिए, ऐसे 3-3 इंच का निशान करते हुए कटिंग कर देंगे। ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है, ऐसे करके हमको 2 बेल्ट निकालनी है जॉइंट के लिए, क्योंकि कपड़े कम है तो हमको जॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा। हमारी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है, ऐसे जॉइंट आएगा। जो हमारा कमर है उसका फिटिंग हो गया। हम अब कर रहे हैं स्टिचिंग, तो ये हम लिए अस्तर, अस्तर हम अम्ब्रेला नहीं कटिंग किए क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1.5 मीटर कपड़े था, 1.5 मीटर में हम अंदर का अस्तर लगाएंगे तो सीधा तरफ से ही लगाएंगे, सीधी काटे हुए हैं इसको, अम्ब्रेला नहीं काटे हुए हैं, मगर काटने वाले काट सकते हैं अम्ब्रेला पर, अगर कम कपड़े हैं तो अंदर के लिए चपटी ले सकते हो। ये हमारी हो गई है सिलाई, अब हम करेंगे इसमें जॉइंट। तो देखो हम किस तरह से जॉइंट करते हैं, उल्टा सीधा देखते हुए हम कर रहे हैं इसमें सिलाई। दो दो इंच की हमको चपटी लेनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर कम कपड़े हैं तो आप चपटी ले सकते हैं, नहीं तो आप अम्ब्रेला कटिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास 1.5 मीटर कपड़े था तो 1.5 मीटर में हम आपको अम्ब्रेला स्कर्ट बता रहे हैं। ये हम चपटी ले चुके हैं, एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा आता है तो वहाँ से हम कटिंग कर देंगे। एक चपटी और लेते हुए हम सिलाई कर देंगे। ये हमारा हो गया सिलाई, अंदर का अस्तर भी हो गया। ये हमारा बेल्ट जॉइंट करेंगे, पाव आधा आधा इंच का हमको कपड़े मोड़ना है।
दोनों साइड में हम ऐसे आधा आधा इंच का कपड़े मोड़ दिए। ये हमारे दोनों तरफ का तैयार हो गया। अब हम लगाएंगे इसमें बेल्ट। तो बेल्ट हम उल्टे से साइड से लगा के सीधे साइड में फोल्ड करेंगे। सारा जितना कर्च लिए है सब अंदर लेते हुए अच्छे से सिलाई कीजिए। इसी तरह हमको पूरे में सिलाई करना है। हमारी सिलाई हो चुकी है, हमारा बेल्ट तैयार हो गया। अब हम करेंगे जॉइंट। चारों कपड़े को पकड़ते हुए सीधी तरह सिलाई करना है साइड का साइड। यहाँ 1 इंच की हमको नीचे का घेर मोड़ना है। ऐसे मोड़ते हुए पूरे में हमको सिलाई चलाना है। ये हमारा लग रहा है ब्लाउज जैसा बनाएंगे कपड़े का है, तो हम सिल के रखे थे। हमारा ये आधा दे पे तैयार हो गया। हमको इस बीचों बीच सिलाई मारना है। ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम इसमें अटैच करेंगे। ये हमारा अटैच हो रहा है। ये हमारा तैयार हो चुका। अब हम ही लगाएंगे बेल्ट के बीचों बीच। ये यहाँ से आधा आधा भाग अलग अलग करते बीच में लगाना है। हमारा ये तैयार हो गया स्कर्ट। ये रहा हमारा स्कर्ट। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए।